अंतरहेलोजन यौगिकों का जो अगला गुण है आयनीकरण का, इसमें ये देखा गया है कि द्रव अवस्थ के जो विलयन होते हैं वो आसानी से आयनीकृत हो जाते हैं। यदि ICL यानी आयोडीन और क्लोरीन से बना हुआ जो अंतरहेलोजन यौगिक है ICL और ICL3 दोनों का आयोनाइजेशन हम देखेंगे तो 2ICL इज इक्वल टू आई प्लस प्लस ICL2 माइनस, इसी तरह से 2ICL3 इज इक्वल टू ICL2 प्लस प्लस ICL4 माइनस। आयोडीन है वो कैथोड पर प्राप्त होता है और कभी कभी क्लोरीन और आयोडीन दोनों ही एनोड पर प्राप्त होते हैं। जल अपघटन, अंतरहेलोजन यौगिक जब जल अपघटित होते हैं तो जो छोटे हेलोजन होते हैं वो संगत हैलाइड आयन बनाते हैं और जो बड़े हेलोजन एटम होते हैं वे हाइपोहैलाइट आयन बनाते हैं। तो जल में घुलकर ये जल अपघटन के पश्चात हैलाइड एवं हाइपोहैलाइड बनाते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण आप देखिए, जैसे अगर हम कॉमन एग्जांपल लेंगे तो XX- प्लस H2O इज इक्वल टू HX प्लस HOX। इसमें हमने देखा कि जो HX है हैलाइड आयन बना है वो छोटे हेलोजन से बनता है और बड़े हेलोजन से जो हाइपोहैलाइट आयन है वह बनता है। इसका एक उदाहरण हम लेते हैं, ICL प्लस H2O इज इक्वल टू HCl प्लस HIO। तो यहाँ पर जो आयोडीन है वो Cl की तुलना में बड़े आकार का है तो उससे हाइपोहैलाइट बना, और जो क्लोरीन है उसका आकार आयोडीन से छोटा है तो वो हैलाइड आयन बनाता है और HCl बनता है। अब हम अंतरहेलोजन यौगिकों के बनाने की विधि के बारे में जानेंगे। तो इसमें कई प्रकार होते हैं, जैसे AB प्रकार के यानी XX प्रकार इसे कह सकते हैं। तो Cl2 प्लस I2 से बनता है 2ICl 473 केल्विन टेम्परेचर पर। इसी तरह से क्लोरीन और फ्लोरीन को जब क्रिया कराते हैं 473 केल्विन टेम्परेचर पर तो 2ClF बनता है। AB3 प्रकार के जो अंतरहेलोजन है यौगिक है इसमें ICl की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो ICl3 बनता है 573 केल्विन टेम्परेचर पर। इसी तरह से आयोडीन की क्रिया जब और अधिक क्लोरीन से कराते हैं तो 2ICl3 बनता है। ब्रोमीन की क्रिया फ्लोरीन से कराने पर यानी Br2 प्लस 2F2 इज इक्वल टू 2BrF3 ये बनता है। और इसी प्रकार क्लोरीन को भी हम क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड यहाँ बना सकते हैं, जैसे Cl2 प्लस 3F2 इज इक्वल टू 2ClF3। तो ये भी टेम्परेचर बहुत उच्च होना चाहिए। AB5 प्रकार के जो अंतर हेलोजन यौगिक है उसमें हम ब्रोमीन और फ्लोरीन का उदाहरण लेते हैं, Br2 प्लस 5F2 इज इक्वल टू 2BrF5। AB7 प्रकार का, तो AB7 प्रकार या XX7 प्रकार का जो अंतर हेलोजन यौगिक है वो मुख्य रूप से IF7 ही है। तो I2 प्लस 7F2 523 केल्विन टेम्परेचर पर 2IF7 में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार आयोडीन पेंटफ्लोराइड जो है वो जब फ्लोरीन से क्रिया करता है, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड जब फ्लोरीन से क्रिया करता है 523 केल्विन टेम्परेचर पर तो IF7 बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा अंतर हेलोजन यौगिकों को बनाने की विधियाँ। अब हम अंतर हेलोजन यौगिकों के संरचना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम AB अणु या XX प्रकार से हम एग्जांपल लेते हैं तो ICl, आयोडीन 53, यहाँ 5s2 5p5। तो यहाँ पर Cl जो है उसके पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो Cl इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ अतिव्यापन करता है तो उसके पहले यहाँ संकरण होगा। तो ICl में जो संकरण है वो है sp3 संकरण। sp3 संकरण से यहाँ पर मुख्य रूप से 4 संकरित कक्षक बनते हैं जिसमें से 3 जो है लोन पेयर है और 1 बॉन्ड पेयर है। तो 3 लोन पेयर यहाँ पर इस तरह से हैं Cl के साथ, ये एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और ये तीसरा लोन पेयर, और एक यहाँ पर बॉन्ड पेयर है आयोडीन के साथ, Cl का बॉन्ड बना है तो I और Cl के मध्य यहाँ पर अतिव्यापन हुआ और इस तरह से एक बॉन्ड बना। तो यहाँ चूंकि 3 लोन पेयर
है और तीनों लोन पेयर के कारण इसकी जो संरचना है वो चतुष्फल की ना होकर विकृत हो जाती है और यह संरचना रेखीय संरचना होती है। यह VSEPR थ्योरी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि लोन पेयर प्रतिकर्षण कितना ज़्यादा है, इस वजह से उसकी जो आकृति है वो रेखीय हो जाती है। इसी परिवार में कुछ और उदाहरण हैं, जैसे CLF जो कि रंगहीन होता है। अलग अलग रंग के भी अंतर हेलोजन देखे गए हैं, जैसे BRF फीका भूरा रंग का होता है, BRCL गैसीय प्रवृत्ति का होता है, ICL रूबी लाल ठोस के रूप में होता है या भूरे लाल ठोस के रूप में होता है, जो अल्फा बीटा नाम से भी जाना जाता है, IBR काला ठोस होता है। अब हम AB3 प्रकार से इसे समझ सकते हैं। इसका अगला उदाहरण है CLF3। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। यदि हम बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे तो 3s2 3p5 होता है, और यहाँ पर चूँकि फ्लोरीन 3 है और 3 फ्लोरीन है तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक फ्लोरीन के पास 2pz1 होता है जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिए हुए होता है। तो यहाँ पर ये 3 फ्लोरीन Cl के चारों ओर है। क्लोरीन के 3py से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d में चला जाता है। अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि लोन पेयर के फॉर्म में है, और P में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो लोन पेयर के फॉर्म में हैं, और अगला P यानी PY PZ में एक एक इलेक्ट्रॉन है और 3D में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो sp3d संकरण होता है, अर्थात यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई दे रहे हैं लेकिन लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ Cl में जो लोन पेयर है वो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 जो है वो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो Cl के साथ ये 2 लोन पेयर है और Cl के साथ ये 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, यानी ClF के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो 5 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसमें से 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, इस वजह से इसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ना होकर इसकी आकृति टी शेप्ड हो जाती है, टी आकार की होती है, जो VSEPR थ्योरी के आधार पर हम समझ सकते हैं लोन पेयर प्रतिकर्षण बहुत अधिक होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की तुलना में। तो आकृति जो है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी से विकृत होकर टी आकार की होती है। CLF3 रंगहीन होता है। इसी वर्ग में कुछ और भी अंतर हेलोजन है, जैसे BRF3 ये पीले हरे रंग का द्रव होता है, IF3 पीले रंग का पाउडर होता है, ICL3 नारंगी ठोस होता है। अगला वर्ग है XX5 प्रकार का, जिसमें हम उदाहरण देखेंगे BRF5 का। तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35। तो इस परिवार में बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP5 होता है, तो कॉमन रूप से हम वही जानेंगे जैसा हमने आयोडीन में देखा 5S2 5P5, क्लोरीन में हमने देखा 3S2 3P5। ब्रोमीन चूँकि चौथे आवर्त का सदस्य है तो ब्रोमीन में होगा 4S2 4P5। हमें ये देखना है कि ब्रोमीन के चारों तरफ कितने फ्लोरीन एटम हैं। तो ब्रोमीन के चारों तरफ 5 फ्लोरीन एटम हैं, पांचों फ्लोरीन एटम के पास 2pz1 प्रेजेंट है, जबकि ब्रोमीन की संरचना में हम देख रहे हैं कि केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2 उत्तेजन होगा, यानी 4px 4py के एक एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर डी में चले जाते हैं, 4d में चले जाते हैं। अब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 4s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वह यहाँ लोन पेयर की तरह कार्य करता है। तो BRF5 में जो संकरण है वो है sp3d2, 1s का 3p का और 2d का। तो ये कक्षक आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और sp3d2 संकरण करते हैं। अब जब sp3d2 संकरण हो जाता है तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लोन पेयर है, 5 यहाँ पर बंध युग्म की तरह कार्य करते हैं, बॉन्डिंग पेयर की तरह कार्य करते हैं।
तो यहाँ भी चूंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो VSEPR थ्योरी के आधार पर इसकी संरचना अष्टफल की नहीं होगी, बल्कि इसकी संरचना वर्ग पिरामिडी हो जाती है। अब इस संरचना को हम देखेंगे, ब्रोमीन में एक लोन पेयर है और ब्रोमीन इस तरह से फ्लोरीन के साथ इस प्रकार जुड़ा होता है। तो ब्रोमीन एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और ये चौथा नहीं, ब्रोमीन के साथ चार फ्लोरीन इस प्रकार से जुड़े हैं, एक दो तीन चार और एक ऊपर। तो इस प्रकार इसकी संरचना जो है वो वर्ग पिरामिडी हो जाती है और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। होना चाहिए था अष्टफल की, हो गया वर्ग पिरामिडी। इस वर्ग के कुछ और भी यौगिक होते हैं, IF5 जो कि रंगहीन होता है, गैसीय नेचर का होता है, BrF5 की प्रकृति द्रव होती है और ये रंगहीन होते हैं, ClF5 रंगहीन होता है और द्रव रूप में पाया जाता है। अगला वर्ग है IF7 जिसका उदाहरण है XX7 या AB7 टाइप का। तो यहाँ भी आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम समझेंगे सबसे पहले। तो आयोडीन 53 परमाणु क्रमांक, ये पांचवें आवर्त का सदस्य है, तो 5s2 5p5। तो यहाँ पर जो X7 है अर्थात F7 है, 7 परमाणु है F के, तो 2pz1 यानी 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हर फ्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2pz का। तो आयोडीन में अब जो उत्तेजन होगा उस उत्तेजन से 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके केंद्र में, उसके ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पर 5s से सबसे पहले तो 5py से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर जाएगा, 5px से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर d में जाता है और फिर 5s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में जाता है। तो जब यहाँ पर सभी तीनों प्रकार का उत्तेजन होगा तो यहाँ हम देखते हैं कि टोटल 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक s में, 3p में और 3d में। तो इस प्रकार यहाँ जो संकरण होगा एक s का, 3p का और 3d का, ये कक्षक आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे और समान ऊर्जा वाले 7 ऑर्बिटल, 7 संकरित ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और सभी का नाम sp3d3 है, सभी की ऊर्जा बराबर है, कहीं भी हमें लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा है। तो चूंकि इसमें जो संकरण है वो sp3d3 है और इस संकरण के आधार पर जो ज्यामिति होती है वो पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है और चूंकि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो इसकी संरचना वही होगी जो निर्धारित है, यानी पंचकोणीय द्विपिरामिडी। तो IF7 की संरचना IF, F, 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 इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है और I के साथ ये दो इस प्रकार से एक ऊपर F और एक नीचे F जुड़ा हुआ है। तो ये द्विपिरामिडी जो संरचना है अर्थात यहाँ पर दो कोण 90 अंश का है और जो पांच कोण यहाँ पर बने हुए हैं मतलब पांच फ्लोरीन परमाणु के साथ वो 72 अंश का होता है। अब हम अंतर हेलोजन यौगिकों के उपयोग के बारे में भी जानेंगे। चूंकि इसकी प्रकृति ध्रुवी होती है, ये हमने जाना कि भिन्न भिन्न ऋण विद्युता वाले जो हेलोजन है वो जुड़कर अंतर हेलोजन यौगिक बनाते हैं, तो ये ध्रुवी प्रकृति के होते हैं, इसलिए बहुत जगह पे ये विलायक के रूप में भी कार्य करते हैं। एक अच्छे फ्लोरीनी कारक के रूप में भी ये कार्य करता है, जैसे यूरेनियम का फ्लोरीनीकरण करके ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बना पाते हैं। तो यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है, इसका भी फ्लोरीनीकरण ये कर पा रहे हैं, तो इसका रिएक्शन होगा यूरेनियम प्लस 3ClF3 इज इक्वल टू UF6 प्लस 3ClF। तो यहाँ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बना है। फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी अम्ल HOF क्यों बनाता है? फ्लोरीन उच्च ऋण विद्युती होता है, छोटे आकार का है एवं D कक्षक इसमें अनुपस्थित होते हैं और यही कारण है कि फ्लोरीन ऑक्सो अम्ल में केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही यौगिक बनाता है। यह +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। अब एक प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्लोरीन द्वारा फूलों का विरंजन स्थाई है जबकि SO2 द्वारा अस्थाई होता है, क्यों?
क्लोरीन द्वारा विरंजन ऑक्सीकरण क्रिया से होता है, इसलिए स्थाई है। यहाँ पर क्लोरीन नमी के साथ क्रिया करके अर्थात Cl2 plus H2O is equal to HCl plus HOCl. HOCl जब विघटित होता है तो HCl plus ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बनता है, और जब यह रंगीन फूल के साथ क्रिया करता है नवजात ऑक्सीजन, उसे रंगहीन फूल में परिवर्तित कर देते हैं। जबकि SO2 द्वारा विरंजन अपचयन द्वारा होता है, यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर पुनः रंग को प्राप्त कर लेते हैं। यानी विरंजन की क्रिया यहाँ अस्थायी होती है, अपचयन द्वारा विरंजन तो होता है लेकिन वापस वह रंगहीन फूल यदि वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करती है, वह रंगहीन फूल रंगीन फूल में परिवर्तित हो जाती है। F2O को F का ऑक्साइड नहीं माना जाता है, ऐसा क्यों? फ्लोरीन सर्वाधिक ऋण विद्युती तत्व है, ऑक्सीजन से भी अधिक ऋण विद्युती होता है, जबकि नामकरण में कम ऋण विद्युती तत्व का नाम पहले और अधिक ऋण विद्युती तत्व का नाम बाद में लिखते हैं। F2O को ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहते हैं, इसे ऑक्साइड नहीं कहते हैं। आयोडीन यानी I2 की अपेक्षा ICl अधिक क्रियाशील है, क्यों? यहाँ पर जो ICl है वह एक अंतर हेलोजन यौगिक है, जबकि I2 शुद्ध आयोडीन एक अणु है। तो यहाँ इस प्रश्न को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हेलोजन की अपेक्षा अंतर हेलोजन अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? ICl में उपस्थित जो ICl बॉन्ड है वह आयोडीन में उपस्थित II बंध की तुलना में दुर्बल होते हैं, क्योंकि ICl की ऋण विद्युता में अंतर होता है, अतः ICl I2 की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। किस उदासीन अणु के साथ ClO- सम इलेक्ट्रॉनी है? क्या यह अणु लुईस क्षारक है? तो सम इलेक्ट्रॉनी अणु का अर्थ है कि ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो सबसे पहले हम ClO- में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करेंगे। Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बनाते हैं, परमाणु क्रमांक इसका 17 है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, और चूंकि यह एक ऋणात्मक आयन है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन माइनस के रूप में यहाँ पर है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हो गया 26 इलेक्ट्रॉन। तो यह दो उदासीन अणुओं के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, पहला है OF2 और दूसरा ClF। इसमें भी हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करेंगे। OF2 में ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 प्लस फ्लोरीन का 9, और फ्लोरीन के परमाणुओं की संख्या है 2, तो 9 दुनी 18 और 8 26। जबकि ClF में Cl का परमाणु क्रमांक 17 और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, तो 17 और 9 को ऐड करेंगे तो 26 इलेक्ट्रॉन आता है, अर्थात ClO- ClF एवं OF2 का सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। ClF जब फ्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो ClF3 बनाता है, और यह अणु लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं। BrF5 की आणविक संरचना को VSEPR सिद्धांत के आधार पर समझाइए। केंद्रीय परमाणु Br है, इसके संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ साझा करते हैं और बंध बनाते हैं, तथा 4 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं जिसमें से 3 आबंध बनाने वाले हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। यहाँ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि 3 बंध बनाने वाले हैं और 2 बंध नहीं बनाने वाले होते हैं, लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिसमनताक्ष द्वि पिरामिडी के शीर्षों पर स्थित होते हैं, तो इसकी संरचना विकृत हो जाती है। वह संरचना होनी चाहिए थी त्रिकोणीय द्वि पिरामिडी, लेकिन विकृत होकर लगभग टी आकार यह ग्रहण कर लेती है।